नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी के गुप्ता जी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चों को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि बच्चों को ट्रीट करने का तरीका वयस्कों से बेहद अलग होता है। देखिए, बच्चों को स्वस्थ रखने का तरीका यही है कि बच्चों की डाइट अच्छी होनी चाहिए, घर का खाना खाएं, जो बाहर का जंक फूड ना खाएं। बहुत सारे बच्चे आजकल मलनरिस्ट हो गए हैं। मलनरिस्ट का मतलब दोनों तरफ होता है कि या तो उनका वेट गेन बहुत कम है, उनकी हाइट बहुत कम है उनकी एज के हिसाब से, या ऐसा भी हो सकता है खासकर जो अर्बन पॉपुलेशन है या जो लोग एफ्लुएंट क्लास के हैं, जो लोग अच्छे से मतलब HNI लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वहाँ पे बच्चे मोटापा का या ओबेसिटी का शिकार भी होते हैं, तो उनका वेट ओवर वेट होता है। इन बहुत सारे बच्चों में डायबिटीज मिलती है, छोटे बच्चों में भी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए न्यूट्रिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, बच्चे बहुत सारे जो है आजकल के स्कूल जा रहे हैं या जब कोविड के बाद स्कूल जाना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें एक फिजिकल एक्टिविटीज क्या डालनी चाहिए। एक तो हेल्थ के लिए बहुत ठीक रहती है, हेल्थ और फिटनेस ठीक रहती है उससे। दूसरा, उनके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है। जी बिल्कुल सर, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बचपन से अगर बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सिखाया जाएगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगी कि बच्चों में जो गंभीर बीमारियां हैं आज के दौर में, वो कौन कौन सी हैं और कैसे हमें उसका पता करना चाहिए और कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, दो तीन तरह की बीमारियां होती हैं बच्चों में। कुछ बच्चों में इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं, जिसमें जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। तो कुछ होती हैं नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां। तो जो इन्फेक्शियस बीमारियां जिसमें गला खराब होना है, खांसी जुकाम होना, वायरल इन्फेक्शन होना है, बहुत सारे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो सीरियस, जैसे सेप्टिसीमिया होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, पेट में इन्फेक्शन होना, डायरिया, वॉमिटिंग, वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो नॉर्मली साफ सफाई या हमें अच्छा हाइजीन फॉलो ना करने की वजह से होती है। तो इसका तरीका ये है कि हम बच्चों को बार बार हाथ धोने चाहिए। हमें अगर बाहर जाते हैं, किसी को इन्फेक्शन है, गला खराब है, नाक बह रही है, स्नीजिंग है, तो उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, खुद को आइसोलेट करना चाहिए। और तीसरी बात है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बाहर खाने की वजह से होता है हाइजीन खराब होने की, जैसे बाहर का खुला हुआ खाना खा लिया, खास करके जो आजकल डेयरी प्रोडक्ट ले लिया, आइसक्रीम खा ली, बाहर का रेस्टोरेंट में कोई खुला हुआ खाना खाया, या हमने बहुत सारे जो बाहर वेंडर्स रखते हैं उनकी साफ सफाई नहीं होती है, उस खाने की वजह से आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलाइटिस, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। एक तो दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां, में बर्थ डिफेक्ट होते हैं, जैसे कंजनेटल मेलफॉर्मेशन, किसी के हार्ट में छेद है, किसी को ASD है जिसको बोलते हैं, BSD बोलते हैं, या किसी को और बहुत सारे एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आंत में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली 1-2% पॉपुलेशन में कॉमन होते हैं, तो इसके लिए तरीका यही है कि जब आप बच्चों को कंसीव कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखें, माताओं को, जो पिता है उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको अपने सारे इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, सारे जो दवाइयां हैं जिसमें फॉलिक एसिड जैसी दवाइयां हैं वो लेनी चाहिए, बिकॉज उसके ना लेने से बहुत सारे बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें मेनिंजियल प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बर्थ इफेक्ट होते हैं। तीसरे होते हैं कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होती हैं, जिसमें आजकल बच्चों में डायबिटीज देखी जा रही है, कुछ बच्चों में हार्ट डिफेक्ट की वजह से या कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम की वजह से, एबनॉर्मल प्रॉब्लम की वजह से हार्ट में टैकीअरिथमिया देखते हैं, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है बहुत तेज से, घट जाता है, ऐसे बच्चों को हार्ट अटैक की संभावना भी हो जाती है। तो ये दो तीन तरह का क्राइटेरिया जिससे बहुत अच्छी बात यहाँ बताई है, और इसमें अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा सर जरूरी है। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज बहुत बच्चों में देखा जा रहा है, साथ साथ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, देखिए हार्ट अटैक बच्चों में आजकल देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हमें बात करनी चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं फोकस करना जरूरी है। क्या वजह है, क्या आज का खराब लाइफस्टाइल वजह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही हैं, साथ ही साथ डायबिटीज हो रहा है, जो कि आज से अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले आप देखेंगे तो ऐसे मामले बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखने के लिए मिलते थे।
देखिए, जहां तक डायबिटीज की बात है, बच्चों में जुबेनाइल डायबिटीज मेलिटस काफी कॉमन है और पहले से भी होता रहा। इसका कारण जो है जेनेटिक है या इन्वायरमेंटल कारण है। तो बहुत सारे जो जेनेटिक कारण है जिसमें जीन की डुप्लीकेशन हो जाती है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से बच्चों में ब्लड शुगर बढ़ जाता है और एक सीरियस प्रॉब्लम है। इन बच्चों को नॉर्मली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे रहना पड़ता है। दूसरी जो प्रॉब्लम बताई मैंने कि जो कार्डिक प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, ये बच्चों में नॉर्मली जो है हार्ट अटैक ऐसे नहीं होते कि जो बड़ों में होते हैं। इनके हार्ट अटैक डिफरेंट तरीके होते हैं। इनके में नॉर्मली टैकीरिथमिया जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट रेट का सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से बच्चों का जो हार्ट है मतलब जब नॉर्मली 100 के 120 के आसपास पर मिनट पंप करता है तो वो सडनली 200 250 300 तक चला जाता है, जिसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीरिथमियाज, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये इनसे होने से क्या होता है कि जो इफेक्टिव पंपिंग है हार्ट की, हृदय की, वो कम हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है और बाद में वो हार्ट अटैक का हो सकता है। तो ये नॉर्मली होता है कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, उसकी वजह से, या कोई हार्ट डिफेक्ट है, या कुछ हार्ट की जो एक्टिविटी जनरेट हो रही है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, उसकी वजह से होता है। जो बड़ों में हार्ट अटैक होता है वो डिफरेंट है जी। वो हमारा लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि हमें मोटापा है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, टैकीरिथमियाज है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, एबनॉर्मल कॉरोनरी आर्टरीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है आपका, या आप ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कि आपके पेरेंट्स को, माता पिता को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट है। बच्चों के हार्ट अटैक के बारे में माता पिताओं को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन नहीं है। नॉर्मली जब होता है, जब मैंने कहा ना स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, होने की जरूरत है अपने बच्चों को लेकर, उनकी सेहत को लेकर और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। आपने कहा कि जो वयस्कों में हार्ट अटैक होता है, जो मासूम बच्चों में होता है, वो बहुत ही अलग है। कैसे अलग है, लक्षण इसके क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ इलाज कैसा है इसका? अगर माइनर अटैक आता है या हार्ट अटैक आता है, आप अस्पताल में लेकर जाते हैं, आपको तो अस्पताल भी है, आप चेयरमैन भी है फेलिक्स अस्पताल के, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे। देखिए, तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चों की, जो डिलीवरी होती है तो उसके बाद नॉर्मली हमें पता नहीं लगता बच्चे का हार्ट कैसा चल रहा है, ना ही हम लोग कुछ जांच कराते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आइडली बच्चों की, जब बच्चा पेट में होता है मदर के, तो भी अब 18-20 हफ्ते के बाद एक लेवल 2 स्क्रीनिंग होती है, फिटल अल्ट्रासाउंड होता है जो करवाना चाहिए, जिससे हमें हार्ट के डिफेक्ट के बारे में पता लग जाता है। इवन बच्चों का फिटल इको कार्डियोग्राफी भी होती है, वो भी करानी चाहिए आइडली, उससे भी पता लग जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 2, अगर बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा होने के बाद अगर अस्पताल के अंदर हो तो डॉक्टर उसको देख लेते हैं बहुत बार, जब स्टेथोस्कोप से हम लोग उसकी हार्ट की साउंड सुनते हैं तो पता लगता है कि उसकी हार्ट साउंड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई मरमर तो नहीं है, उससे हमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। नंबर 3, अगर बच्चा दूध पीते पीते थक जा रहा है, छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, 3 महीने का, या उसके माथे में पसीना आ रहा है, या उसकी सांस फूल रही है, या बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, बच्चा फेलियर टू थ्राइव मतलब ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, उसका वेट हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं कि बच्चे को कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको हार्ट फेलियर की संभावना बड़े होके हो सकती है कि जब भी कोई एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, या कोई इन्फेक्शन होगा सीरियस, या कोई सेप्सिस होगी, या कोई स्ट्रेस होगा, या बच्चा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होगा, तब हार्ट अटैक हो सकता है। इसका इलाज डॉक्टर किस तरीके से होगा, इसका इलाज क्या है, क्या इसे इंस्टेंट जरूरत है कि इस पे इलाज होना चाहिए, या धीरे धीरे मेडिसिन करा के इसको खत्म किया जा सकता है, इन सब चीजों को? तो इसमें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें क्या है कि आइडली अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको नियर बाय जो पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, उसको दिखाना चाहिए, बच्चे की जांच करानी चाहिए। इसके आजकल सब सारी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर कोई कार्डियक डिफेक्ट है तो हम ठीक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, इवन बल्ब तक रिप्लेस कर सकते हैं, तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो हमें लगता है कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो माता पिता को अलर्ट होना चाहिए और नियर बाय डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, बच्चे को हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता है कि एकदम हार्ट अटैक हो गया बंद होगा, सिम्टम्स आएंगे, निमोनिया जैसा होगा कि सांस तेज चल रही होगी, वीकनेस आ रही होगी, एबनॉर्मल हार्ट रेट चल रहा होगा, हार्ट रेट बहुत फास्ट चल रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे, बच्चा गिर जा रहा होगा, बेहोश हो रहा होगा, चेस्ट में कंजेशन होगा, चेस्ट पेन हो सकता है बच्चे को, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत ही अपने नियर बाय हॉस्पिटल ले जाएं, एक कोई ना कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, हो सकता है कि हार्ट की बीमारी हो या किसी और सिस्टम की बीमारी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा हमने देखा है कि नोएडा से ही ऐसा मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर 8वीं क्लास की मासूम बच्ची को हार्ट अटैक आ गया था। क्या ये कहा जा सकता है कि ये नया अलार्म है, हमें अलर्ट होने की जरूरत है? क्या ये पोस्ट कोविड का असर हो सकता है, जिसका असर अब बच्चों पर दिखने लगा है?
देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अलार्म तो ऑलरेडी है, हम सबको चाहिए कि हम सबको अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करनी चाहिए, अपना चाल चलन खान पान अच्छा करना चाहिए, हमें सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज बच्चों के अलावा छोटे जो युवा लोग हैं, एडोलेसेंट हैं, टीनेजर्स हैं, इसके अलावा जो 20-25 साल के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं, इनमें तो बहुत कॉमन हो गया हार्ट अटैक। और खास करके कोविड के बाद थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ गई है, डिटेक्शन बढ़ गया, लोगों की तरफ फोकस बढ़ गया, तो इसलिए हम जल्दी पहचान भी पा रहे हैं कि हाँ ऐसे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे बचपन से ही हमें ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि बड़े होकर या यंग एज में कोई हार्ट अटैक ना हो, खान पान अच्छा होना चाहिए, कोई बीमारी है तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, कोई कंजनेटल हार्ट डिफेक्ट है तो उसकी सर्जरी हो जानी चाहिए, अगर आपको मोटापा नहीं है बचपन में, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो फिर आपको बड़े होकर संभावना है कि आप कार्डियक बीमारी के शिकार नहीं होंगे। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए आजकल अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस सिर्फ यंगस्टर्स के लिए या बुजुर्गों के लिए नहीं है, स्ट्रेस अब मासूम बच्चों के लिए भी है। हम देखते हैं कि जब स्कूल बच्चे जाने लग जाते हैं तो उन पे प्रेशर आ जाता है कि आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, ऐसे करना है, स्कूल में अलग प्रेशर, पेरेंट्स का अलग प्रेशर, तो क्या ये तनाव की स्थिति की वजह से भी बच्चे बीमार और बेहद बीमार पड़ रहे हैं जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? देखिए मेंटल हेल्थ इस समय एक बड़ा कंसर्न है, हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक एपिडेमिक बन चुका है, पैंडेमिक बन चुका है एक्चुअली देखा जाए तो, ये नॉन कम्युनिकेबल है इसलिए हम लोग फोकस नहीं करते, चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे आपके घर का स्ट्रेस हो, चाहे आपके कॉर्पोरेट का ऑफिस स्ट्रेस हो, सोसाइटी का स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस हैं जो हर व्यक्ति को इस समय कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जूझ रहा है। घर में बच्चे भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि बच्चों पर भी प्रेशर रहता है, पीयर ग्रुप में आजकल इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि बच्चों को मार्क्स अच्छे लाने, परफॉर्म अच्छा करना है, स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, उसका प्रेशर है, स्कूल का होमवर्क है, बच्चों का दस्ता है, बैग इतना भारी होता जा रहा है जो उसका स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रेस हैं। बट डेफिनेटली हमें चाहिए बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको बाहर की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग है, राइटिंग है, इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर हो गया है खास करके छोटे बच्चों के लिए, ये लॉन्ग टर्म में बच्चों के डेवलपमेंटल डिले पे बहुत बड़ा फर्क डालता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो बच्चे हैं मासूम, उनके पेरेंट्स भी लेकर आते होंगे आपके पास कि इन्हें जो है स्ट्रेस हो रहा है, क्या वो पेरेंट्स समझ पाते हैं अपने बच्चों को कि उन्हें हुआ क्या है एक्चुअली? देखिए पेरेंट्स नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, जब डॉक्टर उनसे पूछते हैं बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में, तब समझ कि अगर बच्चा आपका कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, बच्चा अटेंशन डिफिसिट हाइपर कंट्रोल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, मतलब एक जगह बैठ नहीं रहा, भागता कूदता या बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, कंसंट्रेशन पुअर हो रहा है, उसका फोकस कम हो रहा है, आसपास के कामों में उसका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, फ्रेंड सर्कल में इंटरेस्ट नहीं है, सोशल उसका नेटवर्किंग अच्छी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं अर्ली साइंस होते हैं, या बच्चा अकेला रह रहा है बहुत ज्यादा, तो ये अर्ली साइंस होते हैं कि वो हो सकता है किसी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा हो, उस समय अर्ली डिटेक्शन करके हम उसको बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा और अच्छे काउंसलर के द्वारा मिलकर ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा स्क्रीन टाइमिंग वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल देखिए पढ़ाई भी काफी ऑनलाइन हो गई है, हमने देखा था कि कोविड काल में बच्चे ऑनलाइन काफी पढ़ाई कर रहे थे, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हुआ है, इसके अलावा बच्चे आजकल फोन भी बहुत ज्यादा देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों की हेल्थ के लिए? देखिए टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इंटरनेट का टेक्नोलॉजी का है कि इस समय बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चे एडिक्टिव हो चुके हैं, मतलब उनको इसकी लत लग गई है कि बच्चे फोन के जो 2 साल 1 साल के बच्चे होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल माँ बाप का है, गलती माँ बाप की है, खाना खिलाएंगे तो फोन पकड़ा देंगे, बच्चे कोई रोएंगे तो उनको फोन पकड़ा देंगे, उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से इवन वो बहुत सारे जो कंटेंट देख रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं उनकी एज के लिए, तो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है, फेसबुक ओपन है, सोशल साइट्स हैं, सारा पूरा पूरा इंसाइक्लोपीडिया गूगल इस तरह सब चीजें ओपन है, तो वो इस तरह के कंटेंट देखते हैं जो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है उनके मस्तिष्क पे, उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे, और कई बार सोशल हेल्थ पे भी, मतलब उसकी वजह से सोशली बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए, जो साइट्स हैं जिनको बच्चे देख रहे हैं वो लिमिटेड होना चाहिए उनकी एज ग्रुप के हिसाब से, और क्रिएटिव देखना भी तो क्रिएटिव चीजें देखें, नॉलेज शेयरिंग चीज देखें जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फायदा हो ना कि नुकसान हो।
बिल्कुल, इसके अलावा डॉक्टर ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि हमें इसको लेकर अवेयर होने की ज़रूरत है, लेकिन देखिए अगर शहरी इलाकों की हम बात करें तो यहाँ तो अवेयरनेस हो जाती है, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। क्या आपके द्वारा कुछ ऐसे खास प्रोग्राम या कुछ ऐसी सभाएँ की जा रही हों ताकि ग्रामीण इलाकों तक भी वो मैसेज जा सके कि बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? फिलिक्स हॉस्पिटल की जो टीम है डॉक्टर्स की, उसमें पीडियाट्रिशियन है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटिस्ट है और बहुत सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं जो समय समय पर कैंप्स, इन हाउस कैंप करते हैं, आउटडोर कैंप्स करते हैं, गांव में जाकर कैंप करते हैं, वहाँ पे टॉक्स देते हैं, एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, हम लोग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, इवन आपके आप जैसे लोग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू गाँव तक पहुँचते हैं। हमारा सोशल मीडिया पर बहुत सारे डॉक्टर लाइव टॉक्स होती हैं, डॉक्टर्स के सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसकी रीच घर घर में है, गाँव में भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चौतरफा 360 डिग्री जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है, उसका समागम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, हर तरफ बढ़ा रहे हैं, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में, और इसका इफेक्ट आ भी रहे हैं। लोग हमारे जो कमेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, बहुत सारी हैं, बहुत पॉपुलर है हमारी साइट्स, बट डेफिनेटली हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, एक मेरे करने से काम नहीं हो सकता। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो इन सब लोगों को, एनजीओ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सबको मिलकर मुहिम चलानी चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी मुहिम है जो पेरेंट्स जो घर में, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमारे बच्चे के अलावा देखिए छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं उनको भी बहुत हमने गंभीर बीमारियां देखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बेहतर तरीके का इलाज नहीं करा पाते हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ उनसे कंसल्ट नहीं करते हैं, आसपास के अस्पतालों में चले जाते हैं, इलाज करा देते हैं, लेकिन बच्चा पूर्णता ठीक नहीं होता है, उसका असर जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वहां दिखाई देता है। ऐसे में पेरेंट्स को बाल रोग विशेषज्ञ पर कितना ज्यादा विश्वास करना चाहिए? क्या सीधे हम हर बीमारी के लिए, बच्चों को होती है छोटी से छोटी बीमारी के लिए, बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है या फिर हम नॉर्मल डॉक्टर से भी इलाज करा सकते हैं? देखिए डेफिनेटली अगर बच्चों की बीमारी है तो बच्चों को आपको सबसे पहले बच्चों के स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के डोज अलग होती है, बच्चों की बीमारियां अलग होती हैं, बच्चों के साइन और सिम्टम है, लक्षण जिनको बोलते हैं वो अलग होते हैं, वो सारे डॉक्टर्स को पहचान नहीं सकते, डोज नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, इसलिए डिफरेंट होते हैं। बच्चों के अंदर भी बड़ी सारी सुपर स्पेशलिटी डेवलप हो गई, जैसे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, बट इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो डॉक्टर का होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जो एमबीबीएस या एमडी होता है या डीसीएच होता है, जो पीडियाट्रिशियन होता है, जो आपके नियर बाय क्लिनिक में या हॉस्पिटल में मिल सकता है, सरकारी प्राइवेट दोनों जगह, वहां जाकर आपको जानकारी लेनी चाहिए। अगर वो किसी को रेफर करते हैं तो आगे जाना चाहिए। नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस हैं या कोई जीपी जनरल प्रैक्टिशनर, उनको बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज उनको बच्चों की बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए आपने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है। देखिए अगर बच्चों की हम बात करें तो बच्चों का पेट बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसी छोटे से पेट में हमें सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो बच्चों को देने होते हैं, तो उनकी डाइट कैसे तैयार पेरेंट्स करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है दर्शकों का कि बातें तो की जाती हैं कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को हम क्या खिलाएं कि उनका पेट भी भरे, न्यूट्रिशंस सारे मिल जाए? देखिए बच्चों की जो अवस्था होती है वो ग्रोइंग अवस्था होती है, ग्रोइंग फेज होता है, उसमें डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें डाइट के अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जिसको बसा बोलते हैं, या बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबका बहुत रोल है। तो सब बैलेंस अगर डाइट है बच्चे की एज के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बैलेंस डाइट है तो बच्चा ग्रो करेगा, अदरवाइज मलनरिश्ड हो जाएगा, अंडरवेट है, उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे की डाइट में प्रोटीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए, मतलब प्रोटीन युक्त जो चीजें हैं, जैसे दही है, क्या नाम, अंडा है या दूध है या जो पनीर है, इन सबकी प्रचुर दाल है, इनकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जिससे उसको प्रोटीन पूरा भरपूर मात्रा मिल सके। नॉर्मली हम मानते हैं बच्चे की जो वेट है उसका 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम ग्राम पर केजी वेट देना चाहिए। अगर 20 किलो का बच्चा, उसको 20 ग्राम प्रोटीन पर डे जाना चाहिए, 20 से 30 ग्राम। तो इसलिए आपको वो किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलके एक डाइट चार्ट बनवाना चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है वो मिलने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल पूरी मिलनी चाहिए, फैट इसमें घी है, दही है, लस्सी थोड़ा मिल सकता है या फैट मक्खन मिल सकता है, उसकी भरपूर मात्रा होनी चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन बी12, तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी
पूरी बैलेंस मात्रा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए एक बैलेंस डाइट मिलती है, वो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर या डायटिशियन से मिलकर तैयार कर सकते हैं। बिकॉज चाहिए एज के अनुरूप होती है, तो 6 महीने का बच्चा है वो सिर्फ माँ का दूध पीता है, 6 महीने तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज इवन पानी तक देने की जरूरत नहीं होती है। 6 महीने के ऊपर वो हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसकी डाइट अलग होती है। 1 साल से 2 साल के लिए अलग होती है, 3 साल से 5 साल के लिए अलग होती है, और या 5 साल से 10 साल के लिए अलग होती है। तो इस तरह से कस्टमाइज डाइट चार्ट हमें अपने डॉक्टर से मिलकर बनवाना चाहिए, उसी पर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, देखिए बच्चों का फिजिकली विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटली विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम इमोशनली बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि मेंटली विकास के लिए तो हम लगातार कह रहे हैं कि आप स्क्रीन टाइम कम दीजिए, फिजिकली विकास के लिए आप आउटडोर गेम्स बच्चों को करा रहे हैं, लेकिन जो इमोशनली उसका विकास होना चाहिए, क्या उस पर भी आप बात करते हैं अगर आपके सामने कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों की या बड़ों की भी हेल्थ है, मैं फिर बोलता हूँ, उसमें फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, या स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 360 डिग्री वेलबींग की अप्रोच होनी चाहिए सारे, तो हम लोग इसीलिए अगर सब पे अप्रोच करेंगे तब हम प्रिवेंशन पे फोकस कर पाएंगे, वरना नॉर्मली हम सिर्फ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि बच्चा जब बीमार पड़ गया या पेशेंट जब बीमार पड़ गया तभी इलाज करें, हम उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे या उस पे इमोशनल हेल्थ पे फोकस नहीं करते। हम सब जानते हैं इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल हेल्थ मतलब बच्चे का रिलेशनशिप कैसी है माँ के साथ, फादर के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, क्या बच्चे के घर में कोई और बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनका वो खेलता है, पीयर ग्रुप में है, सिबलिंग्स हैं, क्या बच्चे के दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कनेक्ट देने में। और जो माता पिता हैं क्या वो टाइम दे पा रहे हैं बच्चे को, बहुत बार क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ में मदर और फादर दोनों काम कर रहे होते हैं तो बच्चा को टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए बेचारा बच्चा स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है और स्क्रीन पर देखता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस होना, उसका इमोशनल वेलबींग खराब होना, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो मदर का, फादर का और ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत है, पीयर ग्रुप का या जो साथ के बच्चे हैं या जो भाई बहन का बहुत बड़ा रोल है। ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कोविड के बाद से बच्चों के हेल्थ पर कितना ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा है कि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, किडनी फेलियर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्या बच्चों में भी ऐसा कोई असर नज़र आ रहा है? देखिए बच्चों में एक तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा कि फिजिकल हेल्थ उनकी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई, बिकॉज बहुत सारे बच्चे घर में रहे तो उन्होंने ओवर ईटिंग करी है, तो बहुत सारे बच्चे मोटापे में चले गए, बहुत सारे बच्चों को रिकरेंट इन्फेक्शन हुए हैं, वायरल बहुत चला है इस बार, तो उनकी ग्रोथ नहीं हुई कुछ लोगों की, कुछ लोग ऐसे बच्चे थे जिनको मेंटल हेल्थ चैलेंज हुए हैं और वो इन हाउस रहे, उनका स्कूल नहीं था, ऑनलाइन स्कूलिंग करी उन्होंने तो उनके स्क्रीन टाइम बढ़ गए, तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स थे और इनका हम सब लोग मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं, दोबारा पब्लिक नॉर्मल लाइफ में हम सब आ रहे हैं, बच्चे भी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, जितने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे वो खत्म हो गए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कुछ समय अगले में आने में बहुत चेंजेज आने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता, आखिर में बस आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि एक खास मैसेज क्या आप उन पेरेंट्स के नाम देना चाहेंगे जिनके मासूम बच्चे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जो 10 साल 11 साल के भी बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में डिप्रेस्ड है, कई मामले हमने ऐसे देखे हैं कि सुसाइड कमिट कर लिया है। देखिए मैं फिर बताऊंगा आपके माध्यम से, आपने कई सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो पेरेंट्स के लिए बच्चा उनके लिए असेट है, आप कितना भी धन कमा ले वो पड़ा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, अगर बच्चा आपका ठीक नहीं निकला, उसका हेल्थ ठीक नहीं रही, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रही, उसने सोशली ठीक काम नहीं किए, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और बच्चों पे इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है उनपे टाइम इन्वेस्ट करना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ पढ़ाई करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ कूदना, उनके साथ आपको इमोशनल कनेक्ट बनाना, तो कहीं ना कहीं उनको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, वो जो कि समय हमारी फास्ट लाइफ में कम हो गया है वो बहुत जरूरी है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ की जो चैलेंजेज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि उनकी डाइट पे ध्यान दें, उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें, उससे उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि बच्चों की फिजिकली मेंटली हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ पेरेंट्स को एक खास मैसेज दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करें अपने बच्चों के साथ ताकि वो फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें, खुश रह सके। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि छोटे मासूम बच्चों को किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह के लक्षण हो सकते हैं और आपको किस तरह से बाल रोग विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और डॉक्टर के साथ, फिलहाल के लिए शुक्रिया।